ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, और इस हत्या में ये लोग कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार हैं, खुद शामिल हैं उस हत्या में। जैसे कि बात आ रही है बार बार जस्टिस कर्णन साहब की बात आ रही है, जस्टिस कर्णन वाले मुद्दे में ये लोग चाहते तो तभी ये बात उजागर कर सकते थे, तब इन्होंने नहीं बात उजागर की। जस्टिस लोया की बात भी है इसके अंदर, जी जस्टिस लोया की भी इन्होंने बात कोई उजागर नहीं की, इन्होंने कोई सू मोटो कोई एक्शन नहीं लिया उसमें। ठीक है, पेंडिंग है, पीआईएल लगी हुई है उसके लिए, लेकिन इनको जो करना चाहिए था इन्होंने वो नहीं किया। सीधी बात है कि रोना रोने लगे मीडिया के सामने आकर। कल तक तो ये मीडिया को कुछ मानते नहीं थे, आज ये मीडिया के सामने रोना रोने लगे। तो कहीं ना कहीं ये एक टूटन है, कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसमें ये कमजोरी जाहिर करना चाहते हैं। इनका मकसद ये भी हो सकता है कि हमारा संविधान कमजोर है, किसी ना किसी तरीके से उसको बदला जाए। मनुवादी सोच का भी इसके पीछे प्रकरण हो सकता है। मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि भाई उनको परेशानी नहीं होगी, होगी परेशानी, लेकिन जो परेशानी जनहित के लिए उनको करनी चाहिए थी, दूर करनी चाहिए थी, जनहित वाली जो समस्या है। क्योंकि न्याय इस देश में बहुत महंगी चीज़ है, न्याय बहुत बड़ी चीज़ है, और जो यहाँ का न्यायिक जो स्ट्रक्चर है भारत के अंदर वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। क्योंकि यहाँ समाज तो बटा हुआ है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पता नहीं कितने हिस्सों में हमारा ह्यूमन बीइंग बटे हुए हैं। तो सीधा ये मतलब है इस बात का कि इन लोगों को जिस तरीके से इन्होंने स्टैंड उठाया और लिया, उसके पीछे जैसा ये कह रहे हैं कैमरे के आगे, मीडिया के आगे, ऐसा नहीं है कि केवल वही है, उसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र है जो कि करप्ट है, जो कि सचमुच में परेशानियां हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ये लोग सामने आए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो संदेहजनक बात है वो ये है कि जब आप मीडिया के सामने आ ही गए तो भाई खुल के अपनी बात तो कह देते कि भाई क्या क्या परेशानी क्या है, क्या क्या परेशानी है। केवल इतनी सी परेशानी है कि केस आपको ठीक से नहीं बांटे जा रहे हैं। ठीक है, परेशानी हो सकती है कि किसी वजह से, ठीक है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर रही है और केस बांटने में उसमें परेशानी कर रही है, जो भी है, लेकिन आप उन सब बातों को, उन मुद्दों को पूरा आपको कहना चाहिए, सारी बातें रखनी चाहिए। जी, बीपी भारती जी, मतलब क्या बीपी भारती जी, तो ये तो और देशों के अंदर जो जजेज हैं वो समय समय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन चार जजों ने मुझे बड़ी बड़ी हंसी वाली बात है कि ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि अगर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, जी, प्रेस से अवगत हो गए, तो क्या इन्होंने गुनाह कर दिया? अरे ये तो आपने अब कोर्ट को पारदर्शी बनाया एक प्रकार से, ठीक है, जो भी मुद्दे हैं आपने पारदर्शी बनाया, एक मीडिया के सामने आप आए, तो इसमें क्या बुरी बात हो गई? कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन उसी को कुछ मीडिया, मैंने देखा कि टीवी पर कि मीडिया उसको दिखा रही है कि नहीं आना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई बहुत गलत हुआ इस तरीके से। अरे भाई अंदर की बात जब आप बाहर लेकर आए, आप भी तो जिम्मेदार हो 125 करोड़ जनता के लिए, आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी तो इसमें क्या बुरा हुआ? तो इसको आप अच्छा मानते हैं, क्योंकि विदेशों के अंदर भी ऐसे चलता है मैं कि जो भी जजमेंट आता है वो जज बाहर आके इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते हैं। मैं इसे सही मानता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कोई बुरी बात नहीं है, कुछ परेशानी है, कोई बात है तो उससे अवगत कराना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।